मैं शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हैप्पी, ओवरवेल्म्ड, मिक्स्ड फीलिंग्स थी, इमोशनल, सैड, सब कुछ मिक्स था. सो ये इट वाज वेरी टफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा दैट आई हैव सफर्ड फॉर द पास्ट वन ईयर बिकॉज ऑफ माय, क्योंकि बाबा मेरे बहुत टाइम बंद रहे तो वो इमोशनल ट्रॉमा था, प्लस इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी लास्ट ईयर. मम्मा भी मेरी बाहर रहती थी, मेरी मम्मा को भी काफ़ी समन्स आए थे, तो मैं अकेली होती थी घर पर मेरी बहन के साथ. बट देन ऑल ऑफ दैट टाइम हमें इतना पता था कि, मतलब मुझे इतना था कि जब मेरे बाबा इतना कर सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. तो दैट्स वाई इट वॉज ऑल हार्ड वर्क, फेथ इन वन सेल्फ, ट्रस्ट इन वन सेल्फ दैट आई वॉज एबल टू डू इट. एंड बिकॉज ऑफ माई मदर स्ट्रेंथ सपोर्ट, बिकॉज ऑफ माई फादर द वे ही हैज़ बीन, वो कितने स्ट्रांग है, सब कुछ जो वो कर रहे हैं वो मुझे एक स्ट्रेंथ देते हैं कि जब वो इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मतलब मैं उनको प्राउड क्यों नहीं फील करा सकती हूँ. तो उनका ये डिटेंशन मैंने एक इम्पिटस लिया अपने लिए कि जो मुझे बोलेगा कि नहीं, यू कैन अचीव एनी थिंग यू वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड देयर इन साइड. बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि चाहे कितनी भी टफ सर्कमस्टांसेस आपको या आपकी फैमिली को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, वन शुड हैव कॉन्स्टेंट फेथ ऑन वन सेल्फ, खुद पर फेथ, भरोसा रखना है कि मतलब चाहे जो भी हो, मतलब हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, हमें खुद को प्राउड फील कराना है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे गोल्स, हमें पता है कि हमें क्या करना है. तो आगे हैप्पी एंड ऑल्सो सैड ऑल्सो बिकॉज हर फादर ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट स्टिल, दो उन्होंने इतना कभी नहीं इस पे इंटरेस्ट स्ट्रेस दिया था पढ़ाई पे. ही ऑलवेज न्यू कि शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट, बट दिस टाइम जब से हम उनको त्यौहार मिलने गए, जितनी बार भी हम मिले, तो उन्होंने हमेशा इसको कहा कि समा आपको इस बार टॉप करना है, समा आपको पढ़ना है अच्छी तरह, आप टॉप करना है. एंड शी डिड इट, शी मेक हिम प्राउड एंड शी मेक अस प्राउड ऑल्सो. थैंक यू.